तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मिड टर्म एग्जाम का डेट शीट। पूरा एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर किस किस डेट को होने वाला है, और ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल पे। तो इसी बात के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि हमारा मिड टर्म का डेट शीट आ चुका है और तैयारी करने की बारी आ चुकी है, तैयारी में लग जाना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोगों को कौन कौन सा पेपर किस किस डेट को होने वाला है। उससे पहले ये समझ लीजिए कि आपका टाइमिंग क्या होने वाला है पेपर का। तो अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं, मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, तो आपका टाइमिंग रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये जो रहेगा आपका 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का टाइमिंग रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप शाम को स्कूल जाते हैं तो आपका जो टाइमिंग रहेगा इवनिंग शिफ्ट वालों का, वो 2 बजे दोपहर से लेकर के शाम के 5 बजे तक, ये आपका टाइमिंग रहने वाला है एग्जाम का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर अपना जो डेट शीट है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम हमारा होगा वो 21 सितंबर को होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 सितंबर 2023 को सबसे पहला एग्जाम होगा मैथ्स का। ठीक है, चाहे आपके पास मैथ्स का बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों ही बच्चों का एग्जाम जो होगा इसी डेट को होने वाला है आपका, 21 सितंबर 2023 को। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा जो दूसरा एग्जाम होगा वो 23 तारीख को होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 सितंबर को, और ये कौन सा होगा क्लास 10th के बच्चे आप देख लिए यहाँ पे, इंग्लिश का होने वाला है आपका। ठीक है, तो 23 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है। उसके आगे चलते हैं तो 26 तारीख को अब अगला पेपर होगा, कौन सा पेपर होगा 26 तारीख को, तो वो रहेगा आपका सोशल साइंस का SST का पेपर होगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान जिसको आप कहते हैं। फिर आपका जो पेपर होगा वो 29 सितंबर 2023 को होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस दिन आपका साइंस का पेपर होगा, नेचुरल साइंस जिसको आप कहते हैं। फिर उसके बाद सीधा आप यहाँ पर अक्टूबर में आ जाइए, 3 अक्टूबर 2023 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका हिंदी का पेपर होगा, और लास्ट आपके पास अगर संस्कृत है या पंजाबी है या उर्दू है तो उसका पेपर होगा 5 अक्टूबर 2023 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है आपका कंप्लीट डेट शीट, और इसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं यही है आई थिंक, हाँ यही आपका डेट शीट, इसके आगे कोई और पेपर नहीं है। तो यहाँ पर आपका कितना एग्जाम हो गया, एक मैथ हो गया, दूसरा इंग्लिश हो गया, तीसरा SST हो गया, चौथा हो गया साइंस, पांचवा हिंदी और छठा संस्कृत। तो ये था आपका कंप्लीट डेट शीट। आई होप कि आपको आपका डेट शीट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। हम ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले ला करके देते रहते हैं, नॉलेज से भरी हुई। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।